हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो यार, टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग रामराज मंदिर ही जा रहे हैं। और हम लोग को आज सुबह में अचानक ही प्लानिंग बन गया कि वहाँ जाने का, तो जल्दीबाजी में निकल भी गए और जल्दीबाजी में वीडियो ही नहीं बना पाया और निकल भी गया मैं हम लोग वहाँ के लिए। और यार, फाइनली हम लोग भूलते बिखरते रामराज मंदिर पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग ना बीच में रास्ता ही भूल गए थे। हम लोग को जाना किधर है और चले गए थे दूसरे तरफ, जिसके कारण हम लोग को पहुंचने में भी वहाँ पर लेट हो गया था। पर फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ऑटो से उतर कर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये दोना लेने गए थे, पूजा का प्लेट नहीं, ये तो कुछ और ही है। और यहाँ पर हम लोग इसको लेने के बाद फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊँगा। यहाँ पर फाइनली हम लोग सब कुछ ले चुके हैं, अब अंदर चलते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर सब कोई हैं, हम लोग फैमिली के पूरे लोग आए हुए थे, मेरी मम्मी, मेरे अंकल, मेरी बहन, मेरी मौसी, सब कोई गए थे। तो अब सबका वहाँ पर हो गया लिया हुआ, चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर हम लोग सब मंदिर के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, मैं आपको सारा व्यू दिखाते चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर से रामराज मंदिर पूरा अच्छे से दिखता है, चारों गुंबद जितने गुंबद हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली भीड़ उसमें कम था, क्योंकि हम लोग खाली टाइम पे गए थे। यहाँ पर मेला लगता है, उसमें बहुत भीड़ रहता है, यहाँ पर इसे देखने के लिए बहुत दूर से लोग भी आते हैं। अंदर जाते समय मुझे ना बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा था, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। चलिए प्लीज जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। फाइनली अब धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए हैं, अब अंदर चल के मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर प्रणाम कर लिया जाए, उसके बाद फिर अंदर चला जाए। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और यह इसका एंट्री गेट, श्री श्री राम राज मंदिर। अब यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको एक वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ना पैर धोने के लिए एक छोटा सा एक एरिया दिया हुआ था, पॉन्ड टाइप का बना हुआ था, यहाँ पर आइए अपना पैर धोइए। और ये पानी बिल्कुल साफ था, मतलब कोई गंदगी नहीं, कितने लोग पैर भी धो रहे हैं, कहीं से ये निकलने का होगा। और ये ज़्यादातर मैंने बड़े बड़े मंदिरों में देखा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मस्त लग रहा था ये देखने में। और ये देखिए हम लोग ये अंदर यहाँ से चलते हैं, काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है ना, मस्त लग रहा है एकदम। पहला बार हम नहीं आए हैं ना यहाँ पर। मिकू है पीछे कहाँ, आगे है मिकू। यहाँ पर यार पूजा करते करते टाइम मेरा एक ध्यान है ना बहुत ही अजीब चीज़ पे गया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सब कोई पूजा कर रहे थे और मेरा ध्यान कहीं और था, और वो था ये दान पेटी है, लेकिन ऐसे दिखेगा ना चाहे ना, सब आदमी देखेगा तो फिर मन में लालच जग जाएगा। छुपा वाला तो ज़्यादा नहीं दान करता। यहाँ पर सब पूजा करने पे लगे हैं और ये मेरा भाई दोनों खेलने पे लगा हुआ है, इसको सिर्फ दिन भर गोदी चढ़ना रहता है और ये खेलने पे लगा हुआ है। पैसा दिखेगा तो आदमी दान कम करेगा ना। और यहाँ पर हम लोग आके पूजा कर लिए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से टीका ले रहे थे। तुम टीका कहाँ ले डोली, मरी मरी हमको भी वो पंचमुखी टीका चंदन। पहले यार माथा पे चंदन का टीका ले लिया जाए, फिर अंदर चला जाएगा। फिर अंदर चल के और बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। और यार अब मैं आपको पूरे मंदिर का व्यू दिखाता हूँ, कितना मस्त लग रहा था ये मंदिर देखने में यहाँ से। ये देखिए आप, नौ चंद लोचन
और ये इस मंदिर के एक साइड में बना हुआ था, यहाँ पर एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है, यहाँ पर बोटिंग भी होता है, लेकिन हम लोग जिसमें गए थे यहाँ पर बोटिंग शोटिंग कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ बाथिंग चल रहा था। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ अंदर ले जाकर। यहाँ से अंदर जाते हैं और ये ऐसे यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं था, यहाँ पर इस साइड बस एक तालाब है, सब लोग नहा रहे हैं, बोट तो सब साइड में पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पर बोटिंग होता था काफ़ी मस्त भी लगता, लेकिन यहाँ बोटिंग तो हो नहीं रहा था। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएंगे ना तो उसमें मैं आपको बोटिंग वगैरह दिखाऊंगा। इस टाइम पे यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, ऊपर से गर्मी भी इतना था, हम लोग का जितना चंदन का टीका था सब पिघल कर नीचे आ गया था, बस सिर्फ गर्मी यहाँ पर गर्मी लग रहा था और कुछ नहीं। अभी यार यहाँ से जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ थोड़ा सा। इस मंदिर में ना मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि तिजोरी मतलब पारदर्शी है, वहाँ पर पैसे को आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे मंदिर में तो वहाँ पर आप देख भी नहीं सकते हैं दान पेटी में क्या पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है। खैर उसमें मेरे को क्या यार, वो तो हर मंदिर का अपना अपना रहता है, आप जैसे भी रखो, आप उनको तो सिर्फ वापस में दान डालने का है और कुछ नहीं, बस दान डालते जाओ, काम बनते जाओ, वहाँ से निकलते जाओ। तो यार गर्मी भी उसमें पूरा बढ़ गया था और धूप भी बहुत लग रहा था, तो अब घर निकलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सिर्फ इतना कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।